अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगी पर ब्रह्म श्री सचिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे शुभ कार्येषु सर्वदा गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
अहं वसामि वैकुण्ठे। योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे हैं मेरा कि मेरे साई तुमसे बीनती दोनों साथ रख रखे तुलाज रखे लाज बिन प्राण ना रखे सदा निम्ब वृक्षस्य मूलादिवासा सुधास्त्राविणं तिक्तमप्य प्रियं तम तरुकल्पवृक्षादिकं साधयन्तम्।
नमामीश्वरम सद्गुरुम साईनाथम। अनेक जन्मार्जित पाप संक्षयो भवेद् भवत्पाद सरोज दर्शनात्। क्षमस्व सर्वान अपराध पुंज काम प्रसीद शाहीश सद्गुरु दयानिधे। मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ जिनका सान्निध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता था। इसमें अनेकों व्याधियों से मुक्ति पाने गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष से भी अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। आपके श्री चरण कमलों के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे दयानिधि गुरुवर साईनाथ, मेरी पूजा से प्रसन्न होकर समस्त अपराधों को क्षमा करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। सुनाते तुम्हें साई की ये कहानी, सुनाते सुनो साई वाणी, सुनो साई वाणी, सुनो साई वाणी। साई का वादा जहाँ दुख होगा वो आ जाएंगे अपनी बाहें फैलाए। साई का वादा जहाँ दुख होगा वो आ जाएंगे
अपनी बाहें फैलाए, जहां साई होंगे वहां दुख कैसा, जहां साई होंगे वहां दुख कैसा, जीवन के मरुधर साई की छाया, साई की छाया, साई की छाया, साई की छाया। सुनाते तुम्हें साई की ये कहानी, सुनाते तुम्हें साई की ये कहानी, सुनो साई वाणी, 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 सुनो साई वाणी। साई की महिमा से शिरडी निराली, यहाँ एक बार वो जाए न खाली, साई की महिमा से शिरडी निराली, यहाँ एक बार वो जाए न खाली, साई की महिमा से जगमग ये जीवन, साई की महिमा से जगमग ये जीवन, साई की करुणा से घर और ये आंगन, घर और ये आंगन, घर और ये आंगन, घर और ये आंगन। सुनाते तुम्हें साई की ये कहानी, सुनाते तुम्हें साई की ये कहानी, सुनो साई वाणी, सुनो साई वाणी, सुनो साई वाणी। सुनो साई साईनाथ महाराज की जय। ये जो हमने अभी किया ओमकार से शुरू करके एक बाबा के प्रति एक भेंट समर्पित करी और उसके बाद कथा को प्रारंभ करने का इरादा किया, इसको मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण कुछ कुछ वैसा होता है जैसे हम लोग गंगा मैया में पैर रखने से पहले अपने पैर के अंगूठे को पहले अंदर रखते हैं, फिर बाकी उंगलियां, पंजा, फिर घुटनों तक जाते हैं, फिर कमर तक, फिर छाती तक, और फिर हर हर गंगे करके पूरी डुबकी माथा अंदर करके लगाते हैं। अगर हम सीधे सर के बल अंदर जाएंगे तो उसके पानी का जो वेग है, जो उसकी शीतलता है, वो हमारा शरीर झेल नहीं पाएगा और उसको झटका लगेगा।
कथा गंगा में भी डुबकी लगाने से पहले हम लोग ये मंगलाचरण करते हैं, जो बोलने वाले के लिए और सुनने वाले के लिए दोनों को मानसिक रूप से तैयार करता है कि यहां से संप्रेषित होने वाले साईं को आप ग्रहण करें, उसको करने के लिए तैयार हों। ये शुरू के जो 10, 12, 15 मिनट, 20 मिनट होते हैं, आजकल की जनरेशन के बच्चों को अगर समझना हो तो ये स्कूबा डाइविंग या हाई एयर एक्सकर्शन टाइप का होता है, जहाँ जिसमें हम समुंदर की गहराइयों में जाने से पहले अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करते हैं। और आसान बना दूं तो विराट कोहली कितने भी बड़े खिलाड़ी हों, वो नेट प्रैक्टिस मैच से पहले जरूर करते हैं। ये हम लोगों के लिए नेट प्रैक्टिस के जैसा होता है। और जितना तन्मयता के साथ, शांति के साथ हम मंगलाचरण करने उतरते हैं, उतना हमारा मानस स्थिर होता जाता है। क्योंकि हम लोग सब साधारण गृहस्थ लोग हैं, घर गृहस्थी, चूल्हा चक्की, नौकरी चाकरी, व्यवसाय की दुभरता, ये सब लेकर के हम लोग बाबा के आदेश पर कथास्थल में आ तो जाते हैं, लेकिन हमारा मानस स्थिर नहीं होता। ये शुरुआत के 10-15 मिनट हमारे मानस को स्थिर करने के लिए एक अभ्यास होता है। इसमें अपेक्षित होता है कि हम सब बहुत शांति से रहें, और जितनी शांति से हम बैठेंगे उतनी ही शांति से हम साईं को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। 30 सितंबर 2023, शिवपुरी का ये पावन स्थल और पीपरघार परिवार की ओर से आयोजित इस कथा में आज हम मध्य सोपान पर पहुंच गए हैं। 3 दिवसीय कथा का आज दूसरा चरण है। कल हमने बहुत सारी बातें बाबा की कृपा से की, थोड़ा बहुत उनको समझने का प्रयास किया, थोड़ा बहुत अपना अंदर झांकने की कोशिश की, क्योंकि जब तक हम स्वयं का विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक हम साईं तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोग मंदिर जाते हैं, पूजा घरों में जाते हैं, भजन करते हैं, श्लोक मंत्रादि का उच्चारण करते हैं, सारे जतन होते हैं कि हम ईश्वर को पा लें, मानो ईश्वर हमारा साईं कहीं खोया हुआ है। ना, साईं कहीं खोया हुआ नहीं है, खोए हुए तो हम लोग हैं। हमें पता ही नहीं चला कि हम अपने आप से कब, कहां और कैसे बिछड़ गए। कई बार बहुत ईमानदारी से अपना
अंतर मन टटोलते होंगे तो पाते होंगे कि अपना ये जो स्वरूप हम देख रहे हैं ये तो हम है ही नहीं, या हम ऐसे थे ही नहीं। एक बहुत बड़ी दूरी पाते हैं जो हम थे और जो हम हैं के बीच में। ये कथा प्रयास है खोए हुए स्वयं को खोजने की। ईश्वर को मत खोजिए, साईं को मत खोजिए, वो तो सब जगह है, इस दुनिया के कण कण में है, मेरे आपके रोम रोम में है। ये जैसे तमाम लाइटें दिख रही हैं आपको, एयर कंडीशनर दिख रहा है, पीछे बाबा की तस्वीर एलसीडी स्क्रीन पे चलते हुए दिख रही है, ये वीडियो कैमरे चल रहे हैं, ये माइक और ये स्पीकर्स आपको चलते हुए दिख रहे हैं, इन सब के पीछे एक स्रोत है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। अगर उसके मेन्स बंद कर दिए जाएं तो ये सारी चीजें निष्प्राण हो जाएंगी। इनको प्राण देने के लिए खटका दबाना पड़ता है। वैसे ही हमारे अंदर जो साई समाया हुआ है उसको जागृत करने के लिए हमें अपने अंदर का खटका दबाना पड़ता है, अपने अंदर की सप्लाई को चालू करना पड़ता है। और ये कथा माध्यम है उस बंद पड़ी हुई सप्लाई को चालू करने का। साईं हमारे अंदर है, केवल हमको उसको रियलाइज करना है, उसका एहसास करना है, बस इतना सा है। तो हम सब कोशिश आज और कल, अब जो समय बचा है उसमें यही करेंगे कि हम बाबा की इतने पास जाते जाएं कि वो हमारे अंदर एक लेश मात्र भी जागृत हो जाए, और उसके जागृत होने से हमारे स्वरूप से जो स्वभाव की यात्रा उल्टी हो गई है, जो अब स्वभाव से स्वरूप की यात्रा करनी है। हमारा स्वरूप क्या होता है, जब हम पैदा होते हैं तो बिल्कुल छोटे से बच्चे होते हैं, दुनियादारी का भान नहीं होता, कोई भास नहीं होता, पालने में मां जुलाती रहती है और हम रोते रोते सो जाते हैं और सोते सोते मुस्कुराने लगते हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि देखो भगवान से बात कर रहा है। छल कपट निंदा धोखेबाजी ईर्ष्या ये सब के बारे में तो पता ही नहीं होता है, ये हमारा मूल स्वरूप होता है। जैसे जैसे हम दुनिया से वाबस्ता होते हैं, जैसे जैसे हम दुनिया को समझते हैं और दुनिया का असर हम पे चढ़ने लगता है, तो हम एक स्वभाव बना लेते हैं जो हमारे स्वरूप से भिन्न हो जाता है। और ये स्वरूप से स्वभाव का सफर है, ये बहुत बड़ी सफरिंग होता है, त्रासदी होता है। ये स्वभाव ही हमसे दूसरों को तकलीफ दिलवाता है और बदले में हम खुद भी तकलीफ पाते हैं। ये कथा हमें अपने स्वभाव के प्रति जागृत करती है और हमें तैयार करती है कि हम अब उल्टी यात्रा शुरू करें, जो स्वभाव से स्वरूप की यात्रा होगी। कुल मिलाकर के कथा का प्रयोजन यही होता है, कोई बहुत बड़ा इसके पीछे रॉकेट साइंस नहीं है।
बिल्कुल सरल सी भावना है जिसको लेकर के हमारे धर्म में, हमारे दर्शन में कथाओं का बड़ा महत्व होता है। और कथाओं का महत्व इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, केवल सुनना होता है। सबसे आसान प्रकार की भक्ति का जो प्रकार है उसको कहते हैं श्रवण भक्ति। सुनाते तुम्हें साई की ये कहानी, सुनो साई वाणी, सुनो साई वाणी। सुनाते हैं, और सुनने और सुनाने वाले, करने और करवाने वाले सब साई हैं। और यकीन मानिए जितनी देर हम कथा में बैठते हैं हम लोग, कई बार बड़ा एक रिलैक्सिंग सी फील आती है, जिसको लोग कहते हैं बड़ी स्पा वाली फीलिंग आती है, कि बहुत सारे हमारे मनोभाव जो है वो अंदर से धुलते जाते हैं। लेकिन सवाल वही है ना कि स्पा वाली फीलिंग कब तक टिकेगी? आप 24 घंटे तो स्पा में नहीं बैठ सकते। इसलिए आपको अपने आप को ऐसा रेगुलेट करना है कि आप सदैव साईं के संसर्ग में रहें, जिससे वो स्पा वाली फीलिंग हमेशा आपके साथ बनी रहे, आप हल्का महसूस करें, सुंदर महसूस करें। क्योंकि अंतर जितना सुंदर होगा उतना ही बाहर भी हमारा सुंदर होता जाएगा। आज की कथा में बाबा की प्रेरणा है कि हम जन्म और पुनर्जन्म की बात करें। बहुत अद्भुत बहुत सारे किस्से हैं इस श्री साई सच्चरित्र में, जब बाबा कैसे कैसे परिस्थितियां रच करके लोगों को अपने पास बुला लेते थे। बाबा के एक भक्त हैं श्यामा माधवराव देशपांडे, जो कि स्कूल टीचर थे। बाबा के प्रति वो मित्रवत भाव रखते थे। एक बार वो बाबा के पास बैठे थे और बाबा ने मस्ती मजाक में उनके गाल पे एक चिमटी खोल ली। श्यामा को बुरा तो नहीं लगा, लेकिन बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बाबा से बोले कि बाबा ये तुम क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा, श्यामा तू नहीं जानता तेरा और मेरा 72 जन्मों का नाता है। श्यामा ने कहा, बाबा मैं ये सब कुछ नहीं जानता, हमें तो ऐसा देव चाहिए जो हमको रोज अच्छा अच्छा खाने को दे, अच्छा अच्छा पहनने को दे, हमारा ध्यान रखे। बाबा ने कहा, इसीलिए तो मैं यहां पर आया हूं। बाबा ने फिर दोहराया, श्यामा तू जानता नहीं तेरा और मेरा 72 जन्मों का नाता है। नाना साहब चांदोरकर, जिन्होंने बाबा की ख्याति बड़े बड़े लोगों के बीच फैलाई, बहुत पढ़े लिखे लोग, न्यायाधीश, लॉयर्स, राजस्व अधिकारी, नाना साहब चांदोरकर जामाबंदी के लिए कोपरगांव में ठहरे हुए थे। जामाबंदी, जिसको आजकल हम लोग सीमांकन कहते हैं, जमीन की जो सीमाएं निर्धारित करते हैं, डिप्टी कलेक्टर रैंक के थे। बाबा के गांव का यानी शिरडी का एक व्यक्ति था अप्पा कुलकर्णी, वो इस काम में नाना साहब चांदोरकर को मदद कर रहा था। बाबा की अनुमति के बगैर कोई भी न तो शिरडी आ सकता था, ना ही शिरडी से जा सकता था।
बाप्पा कुलकर्णी बाबा की अनुमति मांगने गए कि बाबा ऐसा ऐसा जामाबंदी का काम है, क्या मैं जा सकता हूं? बाबा ने कहा जरूर जाओ, और तुम्हारा जो साहब है उससे कहना कि मैंने उसे बुलवाया है। 1900 वाले सन की शुरुआती दौर था, बाबा की ख्याति तब इतनी फैली नहीं थी। साईं बाबा कौन, शिरडी क्या, डिप्टी कलेक्टर रैंक का आदमी। अप्पा कुलकर्णी ने इनको मैसेज दिया तो उन्होंने कहा ठीक है, सुना अनसुना कर दिया। ये होता कि रोज अप्पा कुलकर्णी बाबा से अनुमति मांगने जाते और रोज बाबा इनको संदेश देते कि तुम अपने साहब से कहना मुझसे आकर के मिले। इनको आना नहीं था, ये आए नहीं, लेकिन खींचने वाला कैसे खींचता है देखिए। अंग्रेजी शासन ने, उन्होंने एक आदेश निकाल दिया। उन दिनों चेचक महामारी फैली हुई थी। आजकल के बच्चों को तो पता नहीं होगा कि चेचक किसको कहते हैं, लेकिन उससे लोग बहुत मरते थे। और अंग्रेजी हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया कि सबको चेचक का टीका वैक्सीन लगवाना जरूरी है, और इसकी शुरुआत सारे सरकारी अधिकारियों से की जाए। अब देखिए, अभी कोविड का वैक्सीनेशन हम सब ने करवाया, टीका लगवाया, लेकिन जब तक नहीं लगवाया था हम सबको बड़ा अंदर से दुखी लगी हुई थी कि क्या हो जाएगा अगर हम लगवा लेंगे तो। और ये तो इतनी पुरानी बात है, आज से 125 साल पहले की। न मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की थी, न इतनी रिसर्च होती थी। आदेश नाना साहब चांदोरकर के पास पहुंचा, नारायण गोविंद चांदोरकर उनका असली नाम। अब बड़े पशुपेश में कि इस सूबे का तो सबसे बड़ा अधिकारी मैं ही हूं और सबसे पहले मुझे ही लगवाना पड़ेगा चेचक का टीका, और लगवाने पे न जाने क्या हो। उनका ये सोच चल रही थी, उधेड़ बुन में लगे हुए थे कि अप्पा कुलकर्णी बाबा का संदेश लेके फिर आ गए कि शिरडी के फकीर ने तुमको बुलवाया है। अब इनके मन में न जाने कहां से भाव आया कि यार ये रोज फकीर का बुलावा आता है, चलो चल के पूछ लेते हैं कि मुझे टीका लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए। देखिए, जब तक स्वार्थ ना हो तब तक हम लोग ईश्वर की चौखट पे भी नहीं जाएंगे, यकीन मानिए। बड़े स्वार्थी किस्म के लोग हैं हम लोग, लेकिन ईश्वर हमें अपनी तरफ खींचने का जरिया बना लेता है। ये गए शिरडी, जैसे कि वहां के लोग सब बाबा को दंडवत करते थे, इन्होंने भी दंडवत किया। इनको देखते ही बाबा ने कहा, नाना तेरा और मेरा 3 जन्मों का नाता है, तूने भले मुझे ना पहचाना हो लेकिन मैं तो तुझे 3 जन्मों से जानता हूं। नाना की उधेड़ बुन थी अपने मन में, टीका लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं, बाबा की बात सुनी अनसुनी करी। बाबा ने उनके मनोभाव पढ़ के कह दिया कि जो तेरा शासन तुझे कहता है तू कर ले, इसमें तेरा कोई अहित नहीं होगा, और ये तेरा फकीर बैठा तो है, तुझे इतने समय से बुला रहा था तू आया नहीं, बुलाने का रास्ता मैंने अपने आप ढूंढ लिया। कई जन्म से बुला रहा है कोई तो रिश्ता जरूर होगा। ये जो आप
बाबा की बातें सुन रहे हैं ना, तो ये बाबा से आपका भी कोई बड़ा पुराना नाता है कि उन्होंने आपको यहाँ खींच करके बुला लिया, क्योंकि कथा कुछ और नहीं होती, ईश्वर का वांग्मय स्वरूप होती है। कई जन्म से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्म से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। साईं को तू ही समझ न पाया, साईं को तू ही समझ न पाया, तो इसमें तेरा कसूर होगा। कई जन्म से झपकने में खत्म होगी, जगत के ऐशो तरब की महफिल। पलक झपकने में खत्म होगी, जगत के ऐशो तरब की महफिल, जगत के ऐशो तरब की महफिल। करीब आएगा साईं तेरे, करीब आएगा साईं तेरे, तू जितना दुनिया से दूर होगा। कई जन्म से उसे भी तो चाहिए ठिकाना, वो अपने भक्तों का है दीवाना, उसे भी तो चाहिए ठिकाना, उसे भी तो चाहिए ठिकाना। तेरी इबादत जो बेगरज है, तेरी इबादत जो बेगरज है, वो खुद ही तेरे हुजूर होगा। तेरी इबादत जो बेगरज है, वो खुद ही तेरे हुजूर होगा। कई जन्म से बुला रहा है, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। साईं को तू ही समझ न पाया, तो इसमें तेरा कसूर होगा, तो इसमें तेरा कसूर होगा, तो इसमें तेरा कसूर होगा। इसी तरह धुरंधर ब्रदर्स की एक कहानी आती है। बाबा के पास शिरडी आए तीन भाई। बड़े भाई को दमे की तकलीफ थी। अब बाबा
चिलम पीते थे। तीनों भाई आए मस्जिद में, बाबा के पास बैठे, बाबा चिलम पी रहे थे। उनकी तकलीफ देख करके बाबा ने सबसे बड़े भाई जिनको तकलीफ थी दमे की, उनको दे दी। उनसे कहा कि एक कश लगा लो। उन्होंने कश लगाया, उन्हें महसूस हुआ कि उनके दम की तकलीफ जाती रही है। बाबा के चरणों में बार बार वंदन करने लगे। बाबा ने उनसे कहा, तुम लोगों के साथ मेरा 60 जन्मों का नाता है, तुम्हें तो यहां पर आना ही था। बाबा अपने भक्तों को खींच लेते थे। एक शेर का किस्सा आता है, उस शेर की समाधि शिरडी में बनी हुई है। कभी अगर आपको बाबा का बुलावा हो तो वहां जो गणपति, शनि और महादेव मंदिर तीनों लाइन में है, वहां पे महादेव मंदिर के सामने एक शेर की मूर्ति लगी हुई है, चबूतरा बना हुआ है और वहां पे लिखा हुआ है। पहले के जमाने में ये ऐसी संस्थाएं एक्टिव नहीं थी, होती नहीं थी। पीटा टाइप की, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स एनिमल्स, जो कि जानवरों के प्रति सहिष्णु होने का हमको ज्ञान देती है। इसीलिए आजकल आप अगर फिल्म कोई भी देखते होंगे तो सेंसर सर्टिफिकेट के बाद उसमें डिक्लेरेशन आता है कि नो एनिमल्स वर हार्म्ड ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ दिस मूवी। इस चलचित्र के फिल्मांकन के दौरान किसी भी जानवर को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई है। जितने भी ग्राफिक्स हैं सब कंप्यूटर जनरेटेड है, ये सब लिखा रहता है क्योंकि ऐसी संस्थाएं हैं। मदारियों का एक गिरोह होता था उन दिनों में, जो शेर को कब्जे में करके उसके करतब दिखाते थे। तो उनका शिरडी से निकलना हुआ मदारियों के उन गिरोह का, और उनके पास एक शेर था जो जंजीरों से बंधा हुआ था। ये लोग सब मस्जिद माई की सीढ़ियां चढ़ करके बाबा के दर्शन करने पहुंचे और साथ में उस शेर को भी जंजीर में बंधे हुए ले गए। अब जितने लोग हमारे जैसे भक्त लोग थे मस्जिद में, सब तितर बितर, शेर से किसको डर ना लगे। बाबा अपने स्थान पे बैठे रहे। बाबा को देख के शेर गुर्राया, उसकी दहाड़ सुन करके और भी जो बचे खोचे भक्त थे वो भी सब गायब। बाबा शांत भाव से, बाबा से शेर की आंखें मिली, उसने 3 बार अपनी पूंछ जमीन पर पटकी और वहीं पर ढेर हो गया। मदारियों का तो आय का जरिया छिन गया था, वहीं विलाप करने लगे। बाबा ने उनसे कहा कि विलाप क्यों करते हो, ये तुम्हारा मुलाजिम नहीं था, ये तो मेरा भक्त था जो अपने कर्मों के कारण इस योनि में आया। तुम्हारा ऋणानुबंध चुकाने के लिए उसने तुम्हें पैसा कमा करके दिया, उसका तुम्हारा ऋणानुबंध समाप्त हुआ और मेरी शरण में आया और उसने अपने प्राण मेरे चरणों में त्याग दिए। इतनी सी बात है। हमारे जीवन में भी
जो लोग हमारे पास आते हैं हमको मानना चाहिए कि सब किसी न किसी ऋणानुबंध के चलते आए हैं। जब तक कि कोई पिछले जन्म का ऋणानुबंध ना हो तब तक ये संभव नहीं कि कोई भी किसी के पास आए। आज हम यहां पर बुलाए गए हैं पिपरघार परिवार, जो चाव से हमारे लिए भोजन बनवा के हमको खिला रहा है, ये भी कोई ऋणानुबंध है जिसके चलते वो हमको भोजन करवा रहा है। इस ऋणानुबंध के चलते ही हम यहां पर आए हैं, अन्यथा यहां आना संभव नहीं था। तो यदि कोई आपके पास आता है, कभी भी आता है, तो समझिए कि कोई ना कोई ऋणानुबंध है। कोई रास्ते पे चलता हो भिखारी भी आपके पास आता है, बाबा का कहना था कोई तुम्हारे पास कुछ मांगने आता है और तुम उसको नहीं देना चाहते तो मत दो, लेकिन उस पे व्यर्थ में गुस्सा मत करो, चिल्लाओ मत। उसकी बात को अनसुना जरूर कर सकते हो लेकिन उसका अपमान मत करो। उसकी मदद नहीं कर सकते, तुम्हारी इच्छा नहीं है, मत करो, लेकिन मत भूलो कि वो किसी ऋणानुबंध के चलते तुम्हारे पास आया है। तो ये तो हम सबको मानना पड़ेगा कि बिना ऋणानुबंध के कोई किसी के पास नहीं आता। और जब कोई हमसे दूर भी हो जाता है, हमने जीवन में बहुत सारे परिवारजन खोए होंगे, अपने इष्ट मित्रों को खोया होगा, बंधु बांधवों को खोया होगा, या तो वो हमसे दूर हो गए होंगे या हम उनसे दूर हो गए होंगे। वो इसलिए होता है कि ऋणानुबंध से हम लोग मुक्त होते जाते हैं, वो लोग भी मुक्त होते जाते हैं। ये जीवन का क्रम है, इसी तरह चलता रहता है। कुछ लोग आके मिलते हैं, कुछ लोग जुदा हो जाते हैं, लेकिन ये सब समझना चाहिए कि कोई अगर हमारे पास किसी आशा में अपेक्षा में आ रहा है तो हम उसका अपमान ना करें। एक पुनर्जन्म की और बड़ी सुंदर सी कथा है, वो भी सुनिए। श्यामा, जिसका भी हमने नाम लिया, और तात्या, इनके साथ बाबा एक दिन शिरडी के हाट बाजार से निकल रहे थे। वहां एक सौदागर था जो बकरे बेच रहा था। बाबा ने वहां पर सिर्फ दो बकरों को देखा और उन्हें 20 रुपए उस जमाने में 20 रुपए दे करके खरीद लिया। तात्या और श्यामा दोनों बड़े हैरत में कि बाबा ये तुम क्या करते हो, ये दो बकरे वो भी ऐसे और इनके लिए तुमने 20 रुपए दे दिए उसको। बाबा ने कहा ये दोनों मेरे भक्त हैं, पिछले जन्म में ये दोनों भाई थे, संपत्ति को लेकर के दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे को मार डाला, लेकिन उनके कुछ ऐसे कर्म थे जिससे उनको मेरे दर्शन इस जन्म में दोबारा मिलने थे। दोनों एक दूसरे को कत्ल कर चुके थे, नया जन्म मिला, अपने कर्मों के चलते वो लोग बकरे की योनि में आए, लेकिन चूंकि मुझसे प्रेम करते थे इसलिए मैंने उन्हें शिरडी खींच लिया। खैर, अब तुम लोगों को लगता है कि मैंने इनको महंगा खरीद लिया है, तो मैं एक काम करता हूं, इनको सौदागर को वापस कर देता हूं। सौदागर भले पैसे वापस ना दे, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैंने गलत सौदा किया है तो मैं उसको सुधार देता हूं,
मुझे तो इन लोगों को दर्शन देना था। तो बाबा आपका कर्म आपके हाथ में, आप उस कर्म को कैसे भी करें, लेकिन यदि बाबा के प्रति आपका अनुराग है तो बाबा आपको आपकी कर्मों की सजा भुगतते हुए भी दीनता के भाव से अपनी ओर खींच लेते। कई जन्मों से बुला रहा है कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहा है कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरे मिला न पाया मैं, नजरों से नजरे मिला न पाया, मेरी नजरों का कसूर होगा, कई जन्मों से बुला रहा है। पिता हो तुम ही तो मेरी मात पिता हो, तुम ही तो मेरी मात पिता हो, तुम ही तो मेरी मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, नाता निभाना जरूर होगा, कितने नाते तुम संग जोड़े, नाता निभाना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो। परमात्मा हो तुम ही तो मेरे परमात्मा, तुमसे ही मिलकर तुम ही से रिश्ता, तुम ही में रहकर तुम ही से रिश्ता, रिश्ता निभाना जरूर होगा, तुम ही में रहकर तुम ही से रिश्ता, रिश्ता निभाना जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, आँखों में
बस गई तस्वीर तेरी, आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी, दिल मेरा हो गया जागीर तेरी। कितनी बिनती साईं तुमसे, कितनी बिनती साईं तुमसे, दर्श दिखाना जरूर होगा, कितनी बिनती साईं तुमसे, दर्श दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा है कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरे मिला न पाया, नजरों से नजरे मिला न पाया, मेरी नजरों का कसूर होगा, मेरी नजरों का कसूर होगा, मेरी नजरों का कसूर होगा।